आज हम बात करने जा रहे हैं पीएचपी के अंदर स्टेट मैनेजमेंट। स्टेट मैनेजमेंट का मतलब क्या होता है? सबसे पहले देखो, ये जो हमारा वेब होता है वो स्टेटलेस होता है। स्टेटलेस का मतलब क्या होता है? व्हेन वी मूव फ्रॉम वन पेज टू अनदर पेज, जब भी आप एक पेज से दूसरे पेज पर मूव करते हो, द वैल्यू ऑफ प्रीवियस पेज गेट लॉस्ट। जब भी हम एक पेज से दूसरे पेज पर मूव करते हैं तो जो पुराने पेज की वैल्यू होती है वो खत्म हो जाती है, वो समाप्त हो जाती है। अब मान लो मैं एक पेज में कोई काम कर रहा हूँ, एक पेज में हमारे पास कोई वैल्यूज़ है, उस वैल्यूज़ को लेकर हमें दूसरे पेज में आना है, तो उसके लिए हमें क्या करना होगा? कहीं ना कहीं हम स्टेट मैनेजमेंट यूज़ करते हैं। तो स्टेट मैनेजमेंट का पर्पज़ क्या है? स्टेट मैनेजमेंट का पर्पज़ क्या होता है? ये वेब का इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। स्टेट मैनेजमेंट का पर्पज़ क्या होता है? हाउ टू सस्टेन द वैल्यू। वैल्यू को हम सस्टेन करके कैसे रखेंगे, रोक के कैसे रखेंगे, ठीक। अब स्टेट मैनेजमेंट में कई चीज़ें होती हैं। अब स्टेट मैनेजमेंट के अंदर हमारी दो तरह की स्टेट मैनेजमेंट होती है नॉर्मली। एक को हम बोलते हैं क्लाइंट साइड स्टेट मैनेजमेंट, एक को हम बोलते हैं क्लाइंट साइड स्टेट मैनेजमेंट। क्लाइंट साइड स्टेट मैनेजमेंट का मतलब होता है कि जो वैल्यू आप होल्ड करके रखोगे वो अपने ब्राउज़र के अंदर ही रखोगे, जिससे कि जब हम दूसरे पेज पर जा रहे हैं तो उस वैल्यू को हम लेके आ जाएं। तो क्लाइंट साइड इसलिए बोलते हैं क्लाइंट साइड स्टेट मैनेजमेंट, बिकॉज द वैल्यू गेट होल्ड्स ऑन द क्लाइंट। तो क्लाइंट साइड स्टेट मैनेजमेंट में हम लोग यूज़ करते हैं कुकीज़। ये जो कुकीज़ है ये बड़े इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट हैं, और छोटा सा कॉन्सेप्ट है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, और हर एक जगह ये अवेलेबल है, चाहे वो पीएचपी हो, चाहे जेएसपी हो, चाहे वो जावास्क्रिप्ट हो, चाहे वो एएसपी हो, ये कुकीज़ सभी जगह आता है। कुकीज़ कुछ भी नहीं है, ये क्लाइंट साइड स्टेट मैनेजमेंट का एक तरीका होता है। मैं बाद में इसके बारे में डिस्कस करूँगा कि कुकीज़ किस तरीके से काम करता है। दूसरी चीज़ें होती हैं हमारे पास सर्वर साइड स्टेट मैनेजमेंट। तो एक होता है हमारे पास क्लाइंट साइड स्टेट मैनेजमेंट और एक होता है हमारे पास सर्वर साइड स्टेट मैनेजमेंट। सर्वर साइड स्टेट मैनेजमेंट का मतलब क्या होता है? सर्वर साइड स्टेट मैनेजमेंट का मतलब क्या होता है कि जो वैल्यू होता है वो सर्वर के ऊपर होल्ड करके रखता है। सर्वर मतलब हम वेब सर्वर की बात करते हैं। सर्वर साइड स्टेट मैनेजमेंट के लिए हम लोग यहाँ पे यूज करते हैं सेशंस। सर्वर साइड स्टेट मैनेजमेंट के लिए हम लोग यहाँ पे यूज करते हैं सेशन। तो आज हम लोग बात करेंगे सेशन हैंडलिंग। इसी को हम लोग बोलते हैं सेशन हैंडलिंग, सेशंस को हम हैंडल कैसे करेंगे, ठीक। तो मैंने आपको बताया कि जो हमारा पीएचपी के अंदर स्टेट मैनेजमेंट होता है, स्टेट मैनेजमेंट का मतलब होता है हाउ टू सस्टेन द वैल्यू, वैल्यू को आप रोक के कैसे रखोगे। जैसे मान लो मैं एक पेज में हूँ, मैंने उस पेज में लॉग इन करा, मैंने लॉग इन में यूज़र आईडी में डाल दिया संतोष, मैंने पासवर्ड डाल दिया, मैं बटन पे क्लिक करता हूँ, मैं नेक्स्ट पेज में आ जाता हूँ। ये जो मैंने संतोष वैल्यू डाला है उस वैल्यू को मुझे नेक्स्ट पेज में लेके आना है, मुझे वहाँ पर दिखाना है वेलकम संतोष। तो जो पुराने पेज की वैल्यू है उसको दूसरे पेज में हम लेके कैसे आएंगे? तो इस काम को करने के लिए हम लोग क्या यूज़ करते हैं? स्टेट मैनेजमेंट। और स्टेट मैनेजमेंट में हमारे पास दो ऑप्शन है, आइदर वी कैन गो फॉर द क्लाइंट साइड स्टेट मैनेजमेंट और वी कैन गो फॉर द सर्वर साइड स्टेट मैनेजमेंट। तो अभी फिलहाल जो हम बात करने जा रहे हैं, सर्वर साइड स्टेट मैनेजमेंट की। और सर्वर साइड स्टेट मैनेजमेंट के अंदर सबसे पहली जो चीज़ आती है वो आती है सेशन। तो अभी हम बात करेंगे सेशन हैंडलिंग। सेशन हैंडलिंग का मतलब क्या होता है? देखो, सेशन का मतलब क्या होता है? सेशन का मतलब होता है जब भी हम ब्राउज़र को ओपन करते हैं, हम ब्राउज़र में काम करते हैं, कई सारे हमने पेजेस ओपन कर लिए और पेजेस को ओपन करने के बाद और फिर मैंने फाइनली बंद कर दिया, तो ब्राउज़र के अंदर जो तुम पूरा मतलब कोई भी वेबसाइट ओपन करते हो, वेबसाइट ओपन करने के बाद तुम अलग अलग वेबसाइट्स के ऊपर जाते हो, फिर उसको क्लोज कर देते हो, तो ये जो पूरा मीन टाइम होता है, ये जो पूरा टाइम होता है, इस टाइम को हम बोलते हैं, ये होता है हमारा सेशन। सेशन का मतलब होता है व्हेन वी ओपन द ब्राउज़र एंड व्हेन वी क्लोज द ब्राउज़र। तो वो जो मीन टाइम होता है उसी मीन टाइम को हम लोग क्या बोलते हैं? सेशन बोलते हैं। भाई, आपने किसी ब्राउज़र को ओपन करा और ब्राउज़र को ओपन करने के बाद फाइनली आपने उसे क्लोज कर लिया, अपना काम आपने कर लिया, तो ये जो बीच वाला टाइम होता है उसको हम बोलते हैं सेशन। तो सेशन हैंडलिंग का मतलब होता है कि बीच में हम डेटा को रखेंगे कैसे। अब देखो, जब कभी भी हमें यहाँ पे पीएचपी के अंदर सेशन मैनेजमेंट करना है, तो सेशन मैनेजमेंट करने के लिए स्टेप्स हमारे पास यहाँ पे क्या है? पहला स्टेप्स ये है कि आप सबसे पहला लाइन जो लिखोगे, जो आपका फर्स्ट लाइन होगा, उस फर्स्ट लाइन में आप लिखोगे यहाँ पे सेशन
underscore start. सेशन अंडरस्कोर स्टार्ट हमें इस बात की इजाज़त देता है कि हम सेशन मैनेजमेंट कर लें, और उसके बाद अब हमें यहाँ पे क्या करना है, दो काम करना है. दो काम क्या करना है, पहला काम हमें क्या करना है, वैल्यू को सेट करना है, और दूसरा काम हमें क्या करना है, वैल्यू को गेट करना है. तीसरा काम हमें क्या करना है, वैल्यू को डिस्ट्रॉय करना है. चौथा काम हमें क्या करना है, वैल्यू को मॉडिफाई करना है. दैट्स इट, यही है सेशन. और क्या भाई, वैल्यू आपको सेट करना है, मतलब सेशन में वैल्यू डालनी है. दूसरा काम क्या है, वैल्यू को गेट करना है. तीसरा काम क्या है, जो वैल्यू हमने रखा उसको डिस्ट्रॉय करना हो तो. और चौथा काम क्या है भाई, जो वैल्यू हमारा सेशन में है उसको मॉडिफाई कैसे करेंगे. तो जब आप सेशन की बात करते हो, सेशन कुछ भी नहीं होता, ये एक नॉर्मल वेरिएबल्स की तरह हम यहाँ पे सेशन वेरिएबल्स डिक्लेयर कर देते हैं, जो कि वैल्यू को आप दूसरे पेज में लेकर जा सकते हो. तो मैं इसको कंटिन्यू करता हूँ. मैं यहाँ पर प्रोग्राम बनाता हूँ एक, उस प्रोग्राम से आपको समझ में आ जाएगा हमें करना क्या है. तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर PHP की शुरुआत करते हैं, और हम यहाँ पर लिखते हैं PHP, और मैं इसको यहाँ पे बंद करता हूँ. अब सबसे पहला काम हमें, मैंने आपको बताया था क्या लिखना है यहाँ पे. सबसे पहले आपको लिखना है यहाँ पे सेशन अंडरस्कोर स्टार्ट. तो हम यहाँ पे बोलते हैं सेशन अंडरस्कोर स्टार्ट. ये सबसे पहला काम हमारा है. ठीक, अब हम आते हैं अपने HTML के ऊपर. हम अपना कोड वगैरह जो लिखना है हमें लिखते हैं. हम यहाँ पे HTML में आते हैं, हम अपने बॉडी में आते हैं. अब जो भी हमें यहाँ पे कोड वगैरह लिखना है वो हम यहाँ पे लिखते हैं. HTML को फाइनली हम क्लोज कर देते हैं. अब मैं यहाँ पे क्या चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ कि वही PHP के अंदर मेरा जो वैल्यू है, जो भी वैल्यू है वो वैल्यू मैं सेट कर दूँ. अभी मैं वैल्यू ऐसे ही सेट कर रहा हूँ, बाद में मैं टेक्स्ट बॉक्स से करूँगा. तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, मैं यहाँ पे फिर से PHP का कोड डालता हूँ, और मैं यहाँ पे बोलता हूँ PHP. अब मैं यहाँ पे क्या बोलता हूँ, यहाँ पे हम लोग यूज़ करते हैं डॉलर अंडरस्कोर, और यहाँ पे हमारा सर्वर वेरिएबल होता है सेशन, डॉलर अंडरस्कोर सेशन. अब मैं यहाँ पे बोलता हूँ नेम इज इक्वल टू, अब जो भी आपको नाम यहाँ पे डालना है डाल दो. मैं यहाँ बोलता हूँ संतोष. इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ डॉलर अंडरस्कोर सेशन नेम, तुम जब भी ये यूज करोगे तो वो क्या करेगा, संतोष डिस्प्ले करेगा, संतोष लेके आएगा. अगेन मैं यहाँ पे बोलता हूँ, एक और वैल्यू ले लेते हैं डॉलर अंडरस्कोर सेशन. अब मैं यहाँ पे क्या बोल देता हूँ, मैं यहाँ पे बोल देता हूँ कंपनी. अब मान लो मैं यहाँ पे कंपनी का नाम देता हूँ यहाँ पे एजाइल, मैंने यहाँ पे ये डाल दिया. ठीक, तो मैंने यहाँ पे वैल्यू को सेट कर दिया. और मैं एक काम करता हूँ, मैं यहाँ पे एक मैसेज भी डिस्प्ले कर देता हूँ इको. मैं यहाँ पे बोल देता हूँ सेशन वेरिएबल्स सेट. भाई सेशन का वेरिएबल आपने यहाँ पे सेट कर दिया. और ये जो पेज है, मैं इस पेज को यहाँ पे लेके आ जाता हूँ सेव एज. जब भी पेज को सेव करना है कहाँ पे हमें करना है, हमें जैम के अंदर करना है. जैम के अंदर HTTP डॉक के अंदर करना है, ST डॉक के अंदर करना है. ST डॉक के अंदर हमारा यहाँ पे मैंने संतोष फोल्डर बना रखा है, और इस फोल्डर के अंदर मैं इसको नाम सेव करता हूँ session1.php के नाम से. कुछ भी नाम दे दो, क्योंकि मैंने सेशन के हिसाब से बनाया है इसलिए मैंने session1.php कर दिया. और हमें इसे चलाने के लिए फिर जैम सर्वर भी तो स्टार्ट करनी होगी. जब हम जैम सर्वर स्टार्ट करेंगे तभी तो ये चलेगा. तो मैं यहाँ पे आता हूँ और मैं यहाँ पे जैम सर्वर को स्टार्ट कर देता हूँ. मैं यहाँ पे जैम कंट्रोल पैनल में आके स्टार्ट कर देता हूँ इसको. तो ये अभी आपने यहाँ पे, मैं इसको स्टार्ट कर देता हूँ, मैं यहाँ पे इसको भी स्टार्ट कर देता हूँ. दोनों ही हमारे स्टार्ट हो गए. मैं इसको मिनिमाइज, ये भी स्टार्ट हो गया, ग्रीन आ गया, ये भी स्टार्ट हो गया. अब मैं इसको मिनिमाइज़ कर देता हूँ. अब यदि मैं यहाँ पे जाऊँ ब्राउज़र के ऊपर, अब मैं यहाँ पे बोलता हूँ http://localhost लोकल होस्ट, और इस लोकल होस्ट के अंदर मैं यहाँ पे बोलता हूँ संतोष. तो बाई डिफ़ॉल्ट जो हमारा पेज था वो आ रहा है थैंक्स एंड वेलकम. अब मेरा जो पेज था वो यहाँ पे कौन सा था, तो मेरा यहाँ पे पेज था session1.php. ये हमारा पेज यहाँ पे आ रहा है. यहाँ पे कुछ प्रॉब्लम आ रही है वैल्यू की, मैं यहाँ पे चेक कर लेता हूँ. मैंने यहाँ पे PHP को बंद नहीं करा ना नीचे में, ये चीज़ें ध्यान रखनी है. अब आप इसको सेव करो. अब मैं इसको रन करता हूँ और मुझे मैसेज मिल गया सेशन वेरिएबल सेट. तो आपने यहाँ पे सेशन को सेट कर दिया. अब सेट करने के बाद अब आपका दूसरा काम क्या होगा, ये जो आपने वैल्यू सेट करा है इस वैल्यू को मुझे लेना होगा. तो मैं यहाँ पे न्यू करता हूँ. और भाई मैंने आपको बताया था कि जब भी आप सेशन यूज करोगे तो ऊपर में आपको लिखना होगा सेशन स्टार्ट. अब सेशन तो आपने स्टार्ट कर दिया, अब मुझे यहाँ पे क्या करना है, सेशन स्टार्ट करने के बाद ये जो वैल्यू है इस वैल्यू को मुझे यहाँ पर डिस्प्ले करवाना है, मुझे दूसरे पेज में यहाँ पर डिस्प्ले करवाना है. तो मैं यहाँ पर दूसरे पेज में यहाँ पर इसको डिस्प्ले करवाता हूँ. मैं यहाँ पर बोलता हूँ इको. मैं यहाँ पर बोलता हूँ द नेम इज़, और मैं यहाँ पर लगाता हूँ नेम इज़ कॉमा.
अब मैं यहाँ पे क्या बोलता हूँ, डॉलर अंडरस्कोर सेशन, तो जो भी आपका नाम है वो नाम आ जाएगा। इसी तरह से मैं यहाँ पे बोलता हूँ इको इको, और जो भी मेरे कंपनी का नाम है वो नाम आ जाएगा, द नेम ऑफ कंपनी। मैं यहाँ बोलता हूँ नेम ऑफ कंपनी, जो भी हमारे कंपनी का नाम है वो नाम आ जाएगा। और मैं यहाँ पे बोल देता हूँ नेम ऑफ कंपनी कॉमा, मैं यहाँ पे ये लगा दूँ सेशन कंपनी, आपने यहाँ पे डाल दिया, उस वैल्यू को आपने गेट कर लिया। तो अब आपने यहाँ पे इसको सेव करना है इस फाइल को, और मैं इस फाइल को सेव कर लेता हूँ सेशन टू के नाम से, सेशन टू डॉट पी एच पी के नाम से। और सेशन वन तो हमारा ऑलरेडी काम कर रहा था, ये हमारा ऑलरेडी यहाँ पे काम कर रहा है। अब मैं यहाँ पे कॉल करता हूँ सेशन टू डॉट पी एच पी को। अब ज़रा गौर से देखो, दोनों पेज में कोई लिंक नहीं है, कहीं कुछ नहीं है, लेकिन जब मैं यहाँ पे आ रहा हूँ तो मुझे मिल रहा है द नेम इज संतोष एंड द नेम ऑफ द कंपनी इज एजाइल सेशन वेरिएबल सेट। ये हमने यहाँ पे, अब ये हमारा बेहतर होता कि मैं इस मैसेज को यहाँ पे कर देता कि भाई हम वैल्यू को गेट कर रहे हैं, तो मैं यहाँ पे बोल देता गेट। तो अब मैं यदि इसको सेव कर दूँ, और यहाँ पे बेहतर होता कि आप बीच में एक लाइन ब्रेक भी लगा दें तो थोड़ा सा मामला समझ में आता है। तो मैं यहाँ पे एचआर कर देता हूँ, और यहाँ पे भी एक एचआर लगा ही दूँ। अब मैं यहाँ पे एचआर लगा देता हूँ तो चीज़ें थोड़ी सा ज़्यादा क्लियर हो जाएंगी। ये देखो सेमी कॉलन भी लगाओ, यहाँ पे सेमी कॉलन भी लगाते हैं हम, रन करते हैं यहाँ पे। ये देखो द नेम इज संतोष, द नेम ऑफ कंपनी एजाइल, और यहाँ पे मैंने बोल दिया कि सेशन वेरिएबल के वैल्यू को हमने गेट कर लिया। तो मेरे कहने का मतलब, वैल्यू को गेट करना हो तो कैसे गेट करोगे, और वैल्यू को सेट करना हो तो कैसे सेट करोगे, कुछ नहीं करना, दोनों सेट और गेट एक ही जैसा होता है। जब इसमें तुम वैल्यू दे दोगे तो ये सेट हो गया, और जब लोगे तो वो गेट हो गया। केवल इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पे ये है कि हमारा सबसे ऊपर में ये लाइन होना चाहिए, क्या लाइन होना चाहिए, सेशन स्टार्ट। यदि हम वहाँ पे सेशन स्टार्ट नहीं देंगे तो वो हमारा यहाँ पे काम नहीं करेगा। अब देखो मैं यहाँ पे क्या चाहता हूँ, मैं इसको सेव कर लेता हूँ, और मैं यहाँ पे सेव एज करता हूँ, और मैं इसको सेव करता हूँ सेशन 3.php के नाम से। अब मैं यहाँ पे देखना चाहता हूँ कि कौन कौन से सेशन वेरिएबल्स हमारे सेट हैं। भाई यहाँ तो काफ़ी सारे वेरिएबल्स हैं जो हमारे सेट हैं, तो मैं यहाँ पे देखना चाहता हूँ कि कौन कौन से सेशन वेरिएबल हमारे सेट हैं। तो मैं यहाँ पे एक काम करता हूँ, मैं यहाँ पे लिखता हूँ प्रिंट अंडरस्कोर आर, और जितने भी हमारे सेशन वेरिएबल हैं सारे सेशन वेरिएबल को ये शो कर देगा। मैं यहाँ बोल देता हूँ सेशन, तो ये देखो मैं इसको सेव कर लेता हूँ सेशन 3 के नाम से। अवधि मैं यहाँ पर रन करूँ सेशन 3 को तो ये मुझे बता देगा, देखो आपने जो सेशन वेरिएबल सेट कर रखे हैं, एक तो नेम सेट कर रखे हैं, नेम में आपने संतोष डाल रखा है, और दूसरा आपने कंपनी सेट कर रखा है, कंपनी के अंदर आपने क्या डाल रखा है, एजाइल डाल रखा है। तो मेरे कहने का मतलब यह है कि सेशंस में हम वैल्यू देंगे कैसे, सेशन से वैल्यू हम लेंगे कैसे, और वैल्यू लेने के बाद फाइनली हमें यहाँ पर क्या करना है कि जो भी वैल्यू है उस वैल्यू को डिस्प्ले करना है। भाई सेशन के अंदर कौन कौन से वैल्यू, तो हम यहाँ पर सेशन को एरे के तरीके से यूज़ कर सकते हैं, और एरे के तरीके से यूज़ करके हम उसको देख सकते हैं कि भाई वहाँ पे क्या है। ये तो तुमने यहाँ पे दे दिया। अब मान लो मैं यहाँ पे क्या चाहता हूँ, मैं इसको सेव एज कर लेता हूँ, और मैं इसको सेव कर लेता हूँ सेशन 4 के नाम से, 4.php के नाम से। अब मैं क्या चाहता हूँ कि सेशन के अंदर जो मैंने वैल्यू दिया है मैं उसको मॉडिफाई कर दूँ। मैं क्या चाहता हूँ, सेशन के अंदर जो मैंने वैल्यू दिया है उसको मैं मॉडिफाई कर दूँ, नाम जो संतोष है उसको मैं चेंज कर दूँ, जो एजाइल है उसको भी चेंज कर दूँ। तो आप कैसे चेंज करोगे, तो यदि मॉडिफाई करना है तो बहुत ज़्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, आप फिर से वैल्यू लेके दे दो, मॉडिफाई हो जाएगा। अब यदि मैं यहाँ पे बोलता हूँ सेशन, मैं यहाँ पे बोलता हूँ सेशन, और क्या नाम दिया था आपने, नेम, और नेम में हमारा पहले क्या था, संतोष। अब मैं यहाँ बोल देता हूँ विपुल द ग्रेट, अब मैंने यहाँ पे ये डाल दिया, ठीक है। और मैं यहाँ पे बोलता हूँ डॉलर अंडरस्कोर सेशन, और मान लो मैं यहाँ पे कंपनी का नाम देता हूँ, तो मैं यहाँ बोलता हूँ कंपनी, और कंपनी मैं यहाँ पर बोल देता हूँ, कंपनी का नाम भी मैं कर देता हूँ विपुल द ट्रेडर्स, विपुल की अपनी कंपनी है ये, ठीक। मैंने यहाँ पे ये डाल दिया, और मैं इसको सेव करता हूँ। अब यदि मैं इस प्रोग्राम को रन करूँ यहाँ पे सेशन 4.php को, तो यहाँ पे कुछ सेमी कॉलन मिस्टेक होगी, हाँ जी। अब यदि मैं इसको सेव करूँ यहाँ पे और मैं इसको रन करूँ, तो ये देखो वैल्यू आपने वहाँ पर सेट कर दिया, क्योंकि कोई मैसेज हमने दिया नहीं था तो मैसेज कुछ आया नहीं। आप एक काम करो, एक मैसेज तो अच्छा सा ही दे ही दो। मैं यहाँ पर बोल देता हूँ द वैल्यू सेट फॉर सेशन, सेट फॉर सेशन,
और कौन सी वैल्यू आपने वहाँ पे सेट करी। अब यदि मैं इसको रन करता हूँ यहाँ पे, मैसेज आ गया द वैल्यू सेट फॉर सेशन। आपको याद हो सेशन में वैल्यू को गेट करने के लिए हमने कौन सा प्रोग्राम बनाया था, सेशन टू बनाया था। उस सेशन टू को मैं फिर से रन करता हूँ। अब देखो क्या आ रहा है, द नेम इज बिपुल द ग्रेट, कंपनी का नाम क्या आ रहा है, द नेम ऑफ कंपनी बिपुल द ट्रेडर्स। सो मेरे कहने का मतलब सेशन में वैल्यू हम देते कैसे हैं, सेशन के वैल्यू को लेते कैसे हैं, देखते कैसे हैं, उसको मॉडिफाई कैसे करते हैं। और एक बात हमने और वहाँ पे करी कि जो सेशन की वैल्यूज हैं उसको दिखाना हो तो आप कैसे दिखाओगे। अब यहाँ पे एक बात समझो कि भाई मान लो सेशंस में आपने वैल्यू डाल दी है, अब मुझे इन वैल्यू की जरूरत नहीं है क्योंकि अननेसेसरी कहीं ना कहीं मेमोरी में तो ये होगा, तो मुझे क्या करना है, ये जो वैल्यूज आपने डाले हैं इन वैल्यू को मुझे रिमूव करना है, इन वैल्यू को मुझे क्या करना है, रिमूव करना है। तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, मैं अलग से एक प्रोग्राम बनाता हूँ, मैं यहाँ बोलता हूँ सेशन 5.php। अब मुझे उस वैल्यू को वहाँ पे क्या करना है, मुझे इस वैल्यू को रिमूव करना है। तो अब उस वैल्यू को रिमूव आप कैसे करोगे, तो रिमूव करने के लिए कोई ज़्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, आपके पास यहाँ पे सिंपल सा कमांड है, मैं यहाँ पे इसको लिख देता हूँ और मैं यहाँ पे सिंपल कर देता हूँ, मैं यहाँ पे लगा देता हूँ सेशन अंडरस्कोर अनसेट। अब यदि मैं यहाँ पे कर दूँ सेशन अंडरस्कोर अनसेट तो ये जितने भी रिमूव कर देगा, जितने भी हमारे सेशन वेरिएबल्स हैं ये उनकी वैल्यू को रिमूव कर देगा। याद रखना रिमूव ऑल सेशंस वेरिएबल, सेशन वेरिएबल, सारे सेशन वेरिएबल्स को रिमूव कर देगा। अब यदि मैं यहाँ पे कर दूँ द वैल्यू गेट रिमूव्ड, गेट रिमूव फॉर सेशन। अब यदि मैं इसको रन करूँ यहाँ पे, अब जरा गौर से देखना कौन सा प्रोग्राम था हमारा, ये हमारा था सेशन 5। मैं यहाँ पे वैल्यू को रिमूव कर रहा हूँ, ये देखो द वैल्यू गेट रिमूव फ्रॉम द सेशन। अब यदि मैं सेशन 2 को रन करूँ जिसमें आप वैल्यू को दिखा रहे थे, अब ये क्या बोल रहा है, बोल रहा है जी अनडिफाइंड इंडेक्स, नेम में अभी कुछ भी नहीं है, कंपनी के अंदर अभी कुछ भी नहीं है, क्योंकि आपने क्या कर दिया उसको, आपने उसको रिमूव कर दिया। अच्छा यहाँ पे सेशन अनसेट के जगह तुम यहाँ पे एक काम और कर सकते हो, यहाँ पे क्या कर सकते हो, यहाँ पे तुम कर सकते हो सेशन अंडरस्कोर डिस्ट्रॉय, तुम यहाँ पे कर सकते हो सेशन अंडरस्कोर डिस्ट्रॉय, आप उसको डिस्ट्रॉय कर सकते हो, जो भी आपकी वैल्यूज थी वो वैल्यू वहाँ पे ख़त्म हो जाएगी। याद रखना सेशन डिस्ट्रॉय क्या करता है, ये सेशन को डिस्ट्रॉय कर देता है, जो भी हमारा सेशन वगैरह है उसको डिस्ट्रॉय कर देगा, ख़त्म कर देगा, डिस्ट्रॉय द सेशन वैल्यूज। अब यदि मैं यहाँ पे करूँ रन करूँ इसको, तो अभी तो वैल्यू है ही नहीं, तो आप एक काम करो सेशन 4 में हमने वैल्यू दिया था, रन कर दो, वैल्यू कर दिया सेट। अब मैं यहाँ पे करता हूँ सेशन 5, अब सेशन 5 को जैसे ही मैं रन करूँगा तो वैल्यू रिमूव हो गई। अब यदि मुझे देखना है यहाँ पे तो मैं बोलता हूँ सेशन 2, ये देखो फिर से वही मैसेज आ गया अनडिफाइंड इंडेक्स, वैल्यू आपने रिमूव कर दी। तो मेरे कहने का मतलब यहाँ पे हमें कुछ चीज़ों को याद रखना है, क्या याद रखना है, वैल्यू को यदि सेशन से हटाना है तो हम क्या यूज़ कर सकते हैं, सेशन अंडरस्कोर अनसेट, या फिर हम क्या यूज़ कर सकते हैं, सेशन अंडरस्कोर डिस्ट्रॉय। और यदि हमें वैल्यू वहाँ पे देना है तो वैल्यू को देने के लिए हम लोग वहाँ पे क्या लगाते हैं, डॉलर अंडरस्कोर सेशन, और जो भी वैल्यूज़ हैं वो हम दे सकते हैं। डॉलर वैल्यू देना हो तो वैल्यू देने के लिए हम वहाँ पे क्या लगाते हैं, डॉलर अंडरस्कोर सेशन, जो भी हमें वैल्यू यहाँ पे देना है वो वैल्यू हम दे सकते हैं। यदि हमें मॉडिफिकेशंस करनी है तो मॉडिफिकेशंस भी हम इसी के अंदर कर सकते हैं। यदि हमें वैल्यू को देखना है तो इसमें इक्वल लगा देंगे तो हम वैल्यू को देख भी सकते हैं। तो मैंने सिर्फ आपको बताया कि सेशन के अंदर आप वैल्यू को दोगे कैसे, वैल्यू को देखोगे कैसे, और ये सारा काम इसी काम को करने के लिए हम लोग यूज़ करते हैं सेशन। याद रखना अब मुझे यहाँ पे क्या करना है, मैं अभी आपने क्या यहाँ पे करा कि वही सेशन की वैल्यूज़ को आपने डिस्ट्रॉय कर दिया। अब मैं यहाँ पे क्या चाहता हूँ कि मेरे पास यहाँ पे टेक्स्ट बॉक्स हो, ठीक है, टेक्स्ट बॉक्स में मैं वैल्यू डालूँ, और जो मैं यहाँ पे वैल्यू टेक्स्ट बॉक्स में डालूँ वो वैल्यू दूसरे पेज में जाने के बाद वो सेशन को मिल जाए, और सेशन को मिलने के बाद वो फिर हमें डिस्प्ले कर दें, है ना। तो मैं अब थोड़ा सा इसमें टेक्स्ट बॉक्स वगैरह को इन्वॉल्व करना चाहता हूँ, है। तो अब मैं टेक्स्ट बॉक्स को यहाँ पे कैसे इन्वॉल्व करूँ, तो सबसे पहले मैं यहाँ पे करता हूँ सेव, मैं यहाँ पे सेव एज करता हूँ, और मैं यहाँ पे ले लेता हूँ एक HTML फाइल बनाता हूँ, मैं फाइल बनाता हूँ session.html के नाम से, ठीक, session.html के नाम से मैं एक फाइल बनाता हूँ। और ये HTML फाइल के अंदर मैं कुछ भी नहीं करता, ये सब हटा दो, मैं यहाँ पे फॉर्म ले लेता हूँ, मैं यहाँ बोलता हूँ फॉर्म, ये जो हमारा फॉर्म है इस फॉर्म को हम HTML का फॉर्म बना रहे हैं और कुछ भी नहीं कर रहे,
हम यहाँ पे बोलते हैं यूजर नेम। अब मैं यहाँ पे क्या बोलता हूँ, इनपुट इनपुट टाइप इज इक्वल टू, हम यहाँ पे क्या बोलते हैं टेक्स्ट, और नेम इज इक्वल टू हम यहाँ पे क्या बोल देते हैं टी वन। भाई आपने एक टेक्स्ट बॉक्स ले लिया, टेक्स्ट बॉक्स लेने के बाद अब आप यहाँ पे क्या लोगे, चलो भाई आपने यहाँ पे टेक्स्ट बॉक्स ले लिया और टेक्स्ट बॉक्स के अलावा और भी आपको कुछ चाहिए तो चलो मैं यहाँ पे ले लेता हूँ। मैं काम करता हूँ यहाँ पे पासवर्ड ले लेता हूँ, तो मैं यहाँ पे बोलता हूँ यूजर नेम के बाद मैं यहाँ पे बोल देता हूँ यूजर पासवर्ड, मैं यहाँ पे बोल देता हूँ यूजर पासवर्ड, और यहाँ पे मैं क्या कर देता हूँ इनपुट टाइप इज इक्वल टू, इनपुट टाइप इज इक्वल टू पासवर्ड, इसका भी नाम दे दूँ, मैं इसका नाम देता हूँ P1। और मैं यहाँ पे एक सबमिट बटन ले लेता हूँ, तो सबमिट बटन तो चाहिए एक पेज से दूसरे पेज पे जाने के लिए, तो मैं यहाँ पे बोल देता हूँ इनपुट टाइप इज इक्वल टू सबमिट। और जब सबमिट बटन पे क्लिक करोगे तो कहाँ जाएगा, तो मैं यहाँ पे बोल देता हूँ फॉर्म एक्शन इज इक्वल टू, यानी कि जब तुम वहाँ पे क्लिक करोगे तो कहाँ जाएगा, तो मैं इसको बोल देता हूँ session6.php पे चलेगा। कहाँ चला जाएगा ये, session6.php पे। और मेथड इज इक्वल टू, मैं यहाँ पे अभी फिलहाल लगा देता हूँ मेथड इज इक्वल टू पोस्ट, हम यहाँ पे गेट या पोस्ट कुछ भी डाल सकते हैं, तो मैं यहाँ पे बोल देता हूँ मेथड इज इक्वल टू पोस्ट, हो गया। अब यदि मैं इस बटन पे जाऊँ, इसको मैं रन करूँ, तो ये मुझे यहाँ पे दिखेगा। यदि मैं यहाँ पे रन करूँ session.html को, session.html को, तो मुझे ये दिख रहा है। अब मैं यहाँ पे यूजर नेम, यूजर नाम डाल दूंगा, पासवर्ड डाल दूंगा, अब मैं यहाँ पे सबमिट बटन पे क्लिक करूँगा। अब जैसे ही सबमिट बटन पे क्लिक करूँगा तो किस पेज को खोलेगा, सर्च करेगा, वो सर्च करेगा session6.php, तो अभी हमारे पास session6.php तो है नहीं, तो मैं एक काम करता हूँ session6.php को बना लेता हूँ। तो मैं यहाँ पे किसी प्रोग्राम्स को ओपन ही कर लेता हूँ, तो मैं यहाँ पे session6 session1 को ही ओपन कर लेता हूँ, इसमें हमने ये बेसिक चीज़ें डाली थी, तो मैं इसी को ओपन कर लेता हूँ। फाइल न्यू पेस्ट, सेव कर लेता हूँ इसको, किस नाम से सेव कर लूँ, session6.php के नाम से आप वहाँ पे कॉल कर रहे थे, तो मैं यहाँ पे देता हूँ session6.php के नाम से मैं इसको कॉल कर लेता हूँ। अब जैसे मैंने यहाँ पे कॉल कर लिया, सबसे पहले हमें यहाँ पे क्या डालना है, सबसे पहले हमें ऊपर में वहाँ पे ये तो डालना ही होगा सेशन स्टार्ट। अब मुझे यहाँ पे क्या करना है, जो टेक्स्ट बॉक्स की वैल्यू है उस वैल्यू को मुझे यहाँ पे लेना है। अब टेक्स्ट बॉक्स के वैल्यू को लेने के लिए हम यहाँ पे क्या करेंगे, मुझे वो जो टेक्स्ट बॉक्स की वैल्यू है वो यहाँ पे लेना है। तो अब हम यहाँ पे क्या लिखते हैं, हम यहाँ पे लिखते हैं इफ़। अब मुझे वहाँ से उस पेज से इस पेज पे वैल्यू लेनी है, ये आप लोग को पता है कैसे करते हैं भाई, हम यहाँ पे बोलते हैं इफ़ डॉलर अंडरस्कोर रिक्वेस्ट। हम यहाँ पे क्या बोलते हैं इफ़ डॉलर अंडरस्कोर रिक्वेस्ट, वहाँ से वैल्यू लेना है मुझे, और जो वैल्यू लेना है आपने वहाँ पे क्या नाम दिया था उसका T1, हम बोलते हैं यहाँ पे T1। इफ़ डॉलर अंडरस्कोर रिक्वेस्ट ऑफ T1 इज इक्वल इक्वल टू, भैया आपने जो यूजर नेम डाला है वो यूजर नेम आपने वहाँ पे क्या डाला है, मान लीजिए मैंने बोला कि यूजर नेम मैंने डाला है संतोष, तो मैं यहाँ बोलता हूँ इफ़ रिक्वेस्ट डॉट T1 इज इक्वल इक्वल टू संतोष। यदि आपने वहाँ पे संतोष डाल दिया, अच्छा जी बहुत बढ़िया M%। अब मैं यहाँ पे क्या बोलता हूँ, अब मुझे वहाँ से पासवर्ड भी लेना था, तो मैं यहाँ पे बोलता हूँ इफ़ डॉलर अंडरस्कोर रिक्वेस्ट ऑफ P1, इफ़ डॉलर अंडरस्कोर रिक्वेस्ट ऑफ P1 इज इक्वल इक्वल टू, मान लो मैंने पासवर्ड में डाल दिया 123। अब मैंने यहाँ पे ये डाल दिया, मैंने यहाँ पे पासवर्ड में डाल दिया। अब मैं यहाँ पे क्या बोलता हूँ कि यदि आपने ये काम कर दिए हैं, मतलब वहाँ पे आपने यूजर नेम में संतोष डाल दिया, पासवर्ड में आपने यहाँ पे ये डाल दिया, तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, इस वैल्यू को मैं सेशन वेरिएबल में सेट कर देता हूँ। तो मैं यहाँ पे कैसे सेट करता हूँ, डॉलर अंडरस्कोर सेशन ऑफ क्या, तो मैं यहाँ बोल देता हूँ यूज़र इज इक्वल टू, क्या बोल दोगे वहाँ पे, जो भी आपने यहाँ पे लेना है, तो मैं यहाँ पे बोल देता हूँ संतोष, मैं यहाँ पे संतोष डाल देता हूँ। अगेन मैं यहाँ पे क्या बोल देता हूँ, डॉलर अंडरस्कोर सेशन, और मैं यहाँ पे क्या डाल देता हूँ, पासवर्ड बोल देता हूँ, पासवर्ड इज इक्वल टू आपने क्या लिया था यहाँ पे 123, तो मैं यहाँ पे 123 देता हूँ। तो ये वैल्यू आपने यहाँ पे सेट कर दिया, ये वैल्यू अब हमारा यहाँ पे सेट हो गया। अब मैं यहाँ पे क्या चाहता हूँ, मैं यहाँ पे चाहता हूँ कि ये जब वैल्यू आपने यहाँ पे सेट कर दिया, तो अब मैं क्या चाहता हूँ, अब ज़रा गौर से देखो, मैं चाहता हूँ कि ये वैल्यू मैंने यहाँ पे डाल दिया, अब ये वैल्यू जो है मैं चाहता हूँ किसी तीसरे पेज में डिस्प्ले हो जाए,
पहला पेज में तुमने वैल्यू दिया, दूसरे पेज में तुमने वैल्यू में क्या कर दिया, यहाँ पे जो भी वैल्यू आपने दिया उसको आपने यहाँ पे सेशन में असाइन कर दिया। अब मैं यहाँ पे क्या चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ कि कोई तीसरा पेज कॉल हो जाए जिस पेज में ये वैल्यू हमारा दिख जाए। तो हम यहाँ पे क्या बोल देते हैं, हम यहाँ पे एक पेज से दूसरे पेज पे जाने के लिए हम यहाँ पे बोलते हैं हेडर। क्या लगाते हैं हम यहाँ पे, हेडर। और हेडर में हम यहाँ पे क्या बोल देते हैं, हम यहाँ पे बोलते हैं लोकेशन, कि जहाँ पे आपको जाना है। तो मैं यहाँ पे क्या बोलता हूँ, मैं यहाँ पे बोलता हूँ लोकेशन, और लोकेशन कौन से पेज को तुम कॉल करना चाहते हो। तो मैं यहाँ पे कॉल करना चाहता हूँ, चलो एक और पेज बना देते हैं, session7.php। हो गया, मैंने यहाँ पे ये डाल दिया। इसका मतलब यदि वैल्यू ये सेट हो गया तो ये हमारा रिडायरेक्ट कर देगा उस पेज पे, काम खत्म। अब मैं यहाँ पे बोलता हूँ एल्स, अदरवाइज यदि आपने वहाँ पे संतोष नहीं दिया और आपने पासवर्ड में 123 नहीं दिया तब आप क्या चाहते हो। तो मैं फिर ये चाहता हूँ कि भाई यदि आपने वैसा नहीं किया तो मैं चाहता हूँ कि एक काम करो, इसको फिर से वापस उस HTML पेज पे भेज दो। तो हमारे HTML पेज का नाम क्या था, session.html डाल दिया आपने। और मैं यहाँ पे कुछ मैसेज वगैरह फ्लैश आउट करना है तो मैसेज यहाँ पे कर दो। मैं यहाँ पर बोल देता हूँ थैंक्स एंड वेलकम, कुछ भी देना है दे दो, नहीं तो हटा दो, जरूरत नहीं है इसकी। तो अब मुझे यहाँ पे कौन सा पेज कॉल करना है, session 7। तो मैं यहाँ पे सेव कर लेता हूँ और मैं यहाँ पे सेव एज करता हूँ session 7 के नाम से, session7.php। ठीक, अब ये session7.php में मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, session7.php में ये जो वैल्यूज़ हैं जो आपने सेशन में यहाँ पे सेट किया है उस वैल्यूज़ को मुझे डिस्प्ले करना है। तो वैल्यूज़ को डिस्प्ले करने के लिए भी हमें यहाँ पे क्या करना होगा, जो हमारी वैल्यू है उसको भी डिस्प्ले करने के लिए हमें यहाँ पे क्या करना होगा, ये कलाकारी तो हमें करनी होगी। एक काम करो ना, यहाँ पे हम इस वैल्यू को शो करवा देते हैं, ये जो हमारा यूजर नेम और पासवर्ड है इसको मैं यहाँ से हटा देता हूँ, जरूरत क्या। जब PHP फाइल है मैं यहाँ पे लिखता हूँ, इको, और मैं यहाँ पे बोलता हूँ प्लीज़ वेलकम जो भी यहाँ पे हैं, मिस्टर हैं, एक काम करो ये भी ले लो भाई, ये भी हो सकते हैं। अब मैं यहाँ पे क्या बोलता हूँ, कॉमा। अब मुझे यहाँ पे क्या दिखाना है, जो भी हमारा वहाँ पे सेशन वेरिएबल था तो हमारे सेशन वेरिएबल का नाम क्या था, यही था ना $_session। तो हम यहाँ बोलते हैं $_session, यूजर नेम दिखा दो। ठीक, दिखा दिया। अब मुझे यहाँ पे क्या करना है, एक काम करो, उनका पासवर्ड यदि आप शो करवाना चाहते हो तो पासवर्ड भी शो करवा दो। तो मैं यहाँ पर बोलता हूँ इको, मैं यहाँ पर बोलता हूँ पासवर्ड इज $_password। हो गया, ठीक, और सेव कर दो इसको। अब मैं सबसे पहले कौन से प्रोग्राम को कॉल करूँगा, ये रहा ये हमारा सेशन। मैं यहाँ पर डालता हूँ आकृति, मैं यहाँ पर डालता हूँ पासवर्ड, ये बटन पे क्लिक करो। अब ये यहाँ पे क्या रहा है, एक्सपेक्टिंग, कहीं हमने कुछ session 6 में हमने कुछ गलती करी है, चेक कर लो एक बार session 6 को। फाइल ओपन, जो हमारा यहाँ पे session 6 है, session 6 में हमारा ये यहाँ पे क्लोज हो गया, यहाँ पे सेमी कॉलन की कोई प्रॉब्लम नहीं है। एल्स यहाँ पे हमारा ये line 9, सर रिक्वेस्ट, इस रिक्वेस्ट फॉर लाइन में ये तो नहीं है, 123 कॉमास बंद नहीं है। ओह, ये डबल कोटेशन हमारा बंद नहीं है। फाइल सेव, अब यहाँ पे रन करो, मान लो मैं ये डालता हूँ सबमिट करता हूँ, फिर से वो यहीं आ गया। क्यों, चूंकि आपने यहाँ पे डाल दिया था ना लोकेशन session.html, उसमें चलेगा। लेकिन मान लो अब मैं यहाँ पर डालता हूँ संतोष और मैं यहाँ पर डालता हूँ 123। अब मैं बटन पर क्लिक करता हूँ, अब ये session 7 में देखो कुछ गड़बड़ है, session 7 ओपन
जेसन 7.php अब यहाँ पे ये बता रहा है लाइन नंबर 4 में कुछ गड़बड़ है, तो लाइन नंबर 4 हमारा कौन सा है भाई? डॉलर अंडरस्कोर सेशन, जो भी हमारा यहाँ पे पासवर्ड था, जो हमारे यहाँ पे यूज़र था, उसको हमने यहाँ पे डिस्प्ले करवा दिया। सर पीएचपी में एचआर ऐसे ही लग जाता है एचटीएमएल की तरह? बटन पर क्लिक करो, सेमी कॉलन कहाँ छूट रहा है? अच्छा यही सर, यही वाला। ये देखो आ रहा है, प्लीज वेलकम मिस्टर संतोष एंड पासवर्ड इज 123। अब आप जरा गौर से देखो ये चला कहाँ से, तो भाई ये चला session.html से। session.html में आपने वैल्यू दी, और जब आपने वैल्यू दी तो ये वैल्यू कहाँ पे असाइन हुआ? सेशन 6 में, ये जो हमारा सेशन 6 था उसमें। और सेशन 6 से वो वैल्यू फिर रिडायरेक्ट हो गया, कहाँ पे रिडायरेक्ट हो गया? सेशन 7 में। तो अवधि मैं यहाँ पे देखूँ, ये देखो आ गया अवधि, मैं यहाँ पे कुछ गलत देता हूँ तो वो रिडायरेक्ट हो जाता है इसी पेज पे। तो यही है हमारा सेशन हैंडलिंग। सेशन हैंडलिंग का मतलब यही है, हाउ टू हैंडल द सेशन, मतलब एक पेज से दूसरे पेज पे वैल्यू ले कैसे जाओगे। तो यही इसके तरीके हैं भाई, वैल्यू चाहे तो मैं स्टैटिक दे दो, चाहे मैंने वहाँ पे टेक्स्ट बॉक्स से डाल दिया, फिर मैंने उस वैल्यू को सेशन में साइन करवाया, फिर मैंने वैल्यू को रिडायरेक्ट करवा दिया। तो यहाँ पे दो तीन बातें आपने समझा कि भाई पीएचपी के अंदर हमें रिडायरेक्ट करना हो तो हम कैसे रिडायरेक्ट करेंगे, एक पेज से दूसरे पेज पे जाना हो हम कैसे जाएंगे, ये सारी चीज़ें हमने यहाँ पे सीखी। तो यही था हमारा सेशन हैंडलिंग। सेशन हैंडलिंग के बाद हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, उप्स कॉन्सेप्ट। उप्स के जो कॉन्सेप्ट हैं वो पीएचपी के अंदर नए हैं, तो हमें ये क्लास एंड ऑब्जेक्ट और मेथड ये सारी चीज़ें बात करनी होगी। लेकिन पहले ये है कि आप इतना चीज़ें कंप्लीट कर लें, उसके बाद यानी कि नेक्स्ट सेशन जो हमारी कल होगी, कल हम बात करेंगे।